फ्रेंड्स, वेलकम टू साइबर शो विद स्नेहल वकीलना, एपिसोड नंबर 5th ऑन योर वेरी ओन लोकतेज चैनल. हमने हाल ही में बात की थी इन रिलेशन टू स्मार्ट टेलीविज़न. सो जनरली जब कभी हम टेलीविज़न देखते हैं, कभी कभी ऐसी भी कोई सिचुएशन आ जाती है जब टेलीविज़न हमें देखता है विद द हेल्प ऑफ जो स्पाइंग फीचर्स होते हैं, माइक्रोफोन एज वेल एज माइक्रो कैमरा जो अवेलेबल होते हैं आपके स्मार्ट टेलीविज़न में, उसका यूज़ करके कोई थर्ड पार्टी, कोई हैकर उसका एक्सेस लेके आपकी जो प्राइवेसी या आपके जो प्राइवेट मूवमेंट्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है. तो इससे बचने के लिए हम क्या करें, वो बात हम करेंगे आज के एपिसोड में. वेल, सबसे पहली बात है कि आपका जो स्मार्ट टेलीविज़न है वो कनेक्टेड होता है इंटरनेट से. तो ये जो इंटरनेट है वो आप अपने टेलीविज़न से डिसकनेक्ट कर दीजिए, विच इज़ द ईजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट वे ऑन योर स्मार्ट टेलीविज़न. बट अगर आप ये करेंगे तो आपका जो मेन मोटिव है स्मार्ट टेलीविज़न खरीदने का वो पूरा निकल जाएगा. मतलब आपके स्मार्ट टेलीविज़न का फ्रूटफुल यूज़ नहीं कर पाएंगे अगर आप उसको इंटरनेट से डिसकनेक्ट कर देंगे तो. सो एटलीस्ट हम इतना ध्यान रख सकते हैं कि जब भी हम स्मार्ट टेलीविज़न का फ्रूटफुल यूज़ कर ले, हमें ऐसे जब हमें लगे कि हमारा जो भी पर्पस है वो टेलीविज़न देखने का वो सॉल्व हो गया है, तब हम उसे इंटरनेट से डिसकनेक्ट कर दें. दैट इज़ इन शॉर्ट, उसको अननेसेसरीली हम इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं रखें. और जब भी हम टीवी बंद करें, इंटरनेट को से उसको डिसकनेक्ट करने के बाद ही हमारा टेलीविज़न जो है वो स्विच ऑफ करें. सेकेंडली, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो स्मार्ट टेलीविज़न है उसमें अगर कोई हैकर ट्रोजन के थ्रू आपको एक्सेस कर रहा है तो वो ये चीज़ कर सकता है विद द हेल्प ऑफ स्पाइंग फीचर्स. तो आपके स्मार्ट टेलीविज़न के सेटिंग्स में जाके जो भी स्पाइंग फीचर्स हैं उसको आप डिसेबल कर दीजिए. ये जो स्पाइंग फीचर हैं वो अलग अलग टेलीविज़न में अलग अलग तरह के होते हैं. सो डिपेंडिंग ऑन योर मॉडल आप वो सारे स्पाइंग फीचर को डिसेबल कर सकते हैं. थर्ड थिंग, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो स्मार्ट टेलीविज़न है उसका जो वेबकैम है इट इज़ रियली वेरी डेंजरस. तो अगर उसका आपको कोई पर्टिकुलर यूज़ नहीं हो तब आप उसको किसी स्टिकी नोट के द्वारा या फिर एक ओपेक टेप के द्वारा उसको स्टिक कर दीजिए कि जिससे वहाँ का विजन ब्लर हो जाएगा और कोई हैकर या जो साइबर क्रिमिनल है वो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हिडन कैमरा, दैट टेलीविज़न कैमरा आपको एक्सेस नहीं कर पाएंगे. इतना ही नहीं, आपका जो स्मार्ट टेलीविज़न है वो भी एक गैजेट है, इट इज़ अ डिवाइस, इट इज़ अ कंप्यूटर. तो ये जो स्मार्ट टेलीविज़न है उसमें सारे फीचर्स हैं जो कंप्यूटर्स में होते हैं. सो आप जो पर्टिकुलर स्मार्ट टेलीविज़न है उसके बिहाफ पे एंटी मालवेयर, एंटी वायरस के जो सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल कीजिए, बट दे शुड बी लाइसेंस वर्जन. इतना ही नहीं, उसको इंस्टॉल करने के बाद उसको फ्रीक्वेंटली अपडेट कीजिए और उसको फ्रीक्वेंटली रूटीनली स्कैन कीजिए सो दैट देर इज़ नो चांस ऑफ योर प्राइवेसी बीइंग कॉम्प्रोमाइज. एंड नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि ये जो स्मार्ट टेलीविज़न है उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं. तो शायद जब कभी कोई पर्सन कोई पेड एप्लीकेशन नहीं लेना चाहता तो वो क्या करता है, कहीं थर्ड पार्टी से वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन फ्री में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देता है, विच इज़ इनफैक्ट द रूट कॉज ऑफ योर प्राइवेसी बीइंग कॉम्प्रोमाइज. उसके बेस के ऊपर ही वो थर्ड पर्सन जो है वो ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के द्वारा आपके टेलीविज़न के अंदर घुस कर आपकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज कर देगा. सो नेवर गो इनटू एनी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, उससे आप बिल्कुल दूर रहिए. सो ये थे आज के टिप इन रिलेशन टू स्मार्ट टेलीविज़न. जल्दी हम जल्द मिलेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, किसी नए साइबर केस के बारे में बात करेंगे या फिर किसी साइबर टिप के बारे में बात करेंगे या कोई अच्छा नया साइबर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के बारे में हम बात करेंगे. टिल देन, कीप वॉचिंग साइबर शो विद स्नेहल वकीलना. थैंक यू.